हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, आज सुबह सुबह की रीडिंग ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग है ये आपकी एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, और जिनके साथ भी रेजोनेट करती है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। गाइड करें फुल फोकस कीजिएगा आप। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। ओके, ठीक है। ओके, क्या सोच रहे थे वो आज सुबह सुबह आपके बारे में। ओके, और भी कार्ड्स निकालेंगे। बॉटम ऑफ द डेक फाइव ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। ये कार्ड्स हो गए आपके, अदर डेक से निकालते हैं। ओके, और गाइज आज भी आप लोगों के लिए ऑफर अवेलेबल है। सारे ब्रेसलेट्स पे आपको 200 से 300 रुपए ऑफ मिल रहे हैं, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक प्रोटेक्शन का कार्ड। ओके, चलिए इस डेक से भी कार्ड निकालते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स निकलते हैं। मैं ये कार्ड आपके फ्यूचर के लिए निकाल रही हूँ। फ्यूचर के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं। ओके, फ्यूचर क्या होगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक मैनिफेस्ट। चलिए जब फ्यूचर की बात करेंगे तब हम एक्सप्लेन करेंगे कार्ड्स को, ठीक है। देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अगेन टेन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। यहाँ मेरे पास फोर ऑफ वैंड, इरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ है द हाई प्रिस्टेस। ओके, द फूल, टू ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, पेज ऑफ वैंड्स एंड है मेरे पास द हर्मिट का कार्ड। ठीक है, ऐसे रखते हैं, कार्ड आपको दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अगले कार्ड्स की। ओके, यह है मेरे पास ट्रूथ, यह मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी। ओके एंड सिक्योरिटी। ओके, चलिए तो इन कार्ड्स को हम बाद में ओपन करेंगे क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, तो बाद में हम ओपन करेंगे। तो दो ही साइन निकल के यहाँ पे आ रहे हैं, दो ही साइन यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, ये छह साइन यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। स्पेशली बात करते हैं कि क्या सोच रहे थे वो आज सुबह सुबह आपके बारे में। आपके जो पार्टनर है ना, बहुत सारे लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोगों के पर्सन, और ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं जो कि इनका माइंड ख़राब करता है, जो कि इनके माइंड को मैनिपुलेट करता है, जो कि इनके माइंड के ऊपर कंट्रोल करता है। ठीक है, ऐसे इंसान के साथ ये पर्सन है,
ठीक है, आपके जो पोर्शन है वो हैं, आपके जो पोर्शन है ना, बहुत ज्यादा सोच करके, बहुत ज्यादा मैं देख पा रही हूँ कि किसी और के बहकावे में रहते हैं, यानी कि थर्ड पार्टी के कंट्रोल में भी रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इस पर्सन को मैनिपुलेट किया जाता है, थर्ड पार्टी मैनिपुलेट करती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि एम्प्रेस की एनर्जी है, तो कार्ड्स तो क्लियर बता रहे हैं कि एम्प्रेस की एनर्जी है, तो आपके पर्सन आपको पसंद काफ़ी ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। आपकी खूबसूरती, आपकी मैच्योरिटी, आप जिस तरीके से हो, जिस तरीके से इनको डील करते हो, है ना, तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है, काफ़ी अच्छी फीलिंग्स है यहाँ पे। आपके और आपके पर्सन के बीच में मुझे ये दिख रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है आपके, देखिए बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आपके पर्सन अपनी फैमिली की बातें मान रहे हैं, फैमिली के लिए स्टैंड ले रहे हैं, या फैमिली के लिए रुकते हुए से दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है, और ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे मैच करती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन जगलिंग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि सोच रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, इनको थर्ड पार्टी की बातें माननी चाहिए, थर्ड पार्टी का ख्याल करना चाहिए, या आपका ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी के चक्कर में तो है, थर्ड पार्टी की बातें तो मानते हैं ये पर्सन, इसमें कोई दो राय नहीं है, या कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ये थर्ड पार्टी की बातें नहीं मानते, ये थर्ड पार्टी की बातें मानते हैं, और बहुत दिल से मानते हैं थर्ड पार्टी की बातें। शादी भी हो सकता है कि इनकी हो गई हो थर्ड पार्टी से, या इनका रिश्ता कहीं और फिक्स हो गया हो आपके पर्सन का, ठीक, या यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि शादी की बातें आप दोनों के बीच में होने वाली थी, ठीक है, लेकिन बीच में यहाँ पे प्रॉब्लम्स आने की वजह से यहाँ पे शादी कहीं ना कहीं जगलिंग चल रही है उसमें, यानी कि उसमें क्या होगा, शादी होगी कि नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्लियर नहीं है अभी आपको। यहाँ पे आपके पर्सन काफ़ी उदास उदास थे आज सुबह सुबह, आज सुबह सुबह ही ये सुबह में ही उठ गए थे, और सुबह उठ करके अकेले बैठ करके आपके बारे में ही थॉट्स क्रिएट कर रहे थे ये पर्सन। इनको लग रहा था कि जैसे कि ये पर्सन हार गए हैं, ये पर्सन अपने आप को हार गए हैं, इस रिश्ते को हार गए हैं, और इस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा है, क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ भी हैं, मजबूर भी हैं, इनको ऐसा लगता है कि मैं मजबूर भी हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन की जो जिनके साथ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, देखिए काफ़ी कंट्रोलिंग है थर्ड पार्टी, और काफ़ी कंट्रोलिंग होने की वजह से यहाँ पे जो है ना रिलेशनशिप एक बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम से गुजरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप दोनों के बीच में काफ़ी टफ टाइम दिखाई दे रहा है, और ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में यहाँ पे इंतज़ार चल रहा है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको खोकर पछता नहीं रहे हैं, या आपका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, इंतज़ार तो कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इनको इंतज़ार करने से इनको आगे कुछ नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, शादी तो करने का इनका भी मन है आपसे, बट यहाँ पे वही है कि इंतज़ार करने से कुछ नहीं मिल रहा है, इंतज़ार का फल कहते हैं ना जिसे, वो नहीं मिल रहा है आपके पर्सन को, और आपके पर्सन इसीलिए डिस्टर्ब चलते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। बट इन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो बॉटम ऑफ द डेक फाइव ऑफ कप्स का कार्ड आया था, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन परेशान है, ये पर्सन उदास हैं, इनके पास मैंने कहा ना कि ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यानी कि इनके पास शादी के ऑफर्स आ रहे हैं, या इनकी शादी कहीं और फिक्स हो गई है, जिसकी वजह से ये पर्सन कन्फ्यूज़न में है कि ये पर्सन क्या करे क्या ना करे, ऐसे उदास हैं, आपको बहुत ज़्यादा आज सुबह सुबह ही मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं,
और ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ें हुई हैं, इतना ज़्यादा कुछ इश्यूज़ हुआ है, और मुझे दिख रहा है कि सपने तो आपके साथ आपके पर्सन के ये हैं कि आपके साथ बहुत ही फ्रीडम तरीके से जिया जाए, और ये जो बादल हैं वो धीरे 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 करके साफ़ हो जाए आप दोनों की लाइफ से, जो प्रॉब्लम है वो धीरे 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 करके हट जाए, हमेशा हमेशा के लिए हट जाए। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी बातें भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि आपके पर्सन जो है बताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस बताना चाहते हैं। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि जिस तरीके से थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रही है इनको, और जिस तरीके से ये पर्सन आपसे अलग हो गए हैं, तो ये पर्सन भी आपसे बताना चाहते हैं कि क्या फील कर रहे हैं ये, ठीक। क्योंकि इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस क्लियरली दिख रहे हैं कि ये पर्सन जो है ना आपके साथ आना है, इनको आना है, इनको बात करनी है, इनको आपके साथ कंटिन्यू करना है रिलेशन, बट कैसे करें, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि बट कैसे करें। यहाँ पे ट्रुथ का कार्ड जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन आपका साथ देना चाहते हैं, आपका एक होता है ना कि जैसे कि इनके सामने सच्चाई आने वाली है, थर्ड पार्टी की सच्चाई आने वाली है कि हाँ ये कुछ जो है कुछ ऐसे उपाय कर रही है थर्ड पार्टी जिससे आपके पर्सन इनके ही कंट्रोल में रहे, इनके कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, है ना, और जो ये मर्जी वो कर सके। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में फ्लैक्सीबल भी होना चाहते हैं। फ्लैक्सीबल इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि ज़्यादा तन के रहे तो रिलेशनशिप टूट जाएगा, ज़्यादा झुक के रहे तो वो भी अच्छा नहीं है रिलेशनशिप, ज़्यादा झुक के भी रह जाए तो वो भी सही नहीं है। फ्लैक्सीबल होना ज़रूरी है, ज़रूरत पड़े तो साथ जो है ना देना पड़ता है। तो वही है कि ज़रूरत पड़े तो आप दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे को जानना पड़ेगा। तो आपके पर्सन जो है ना ये फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये पर्सन की परंपरा काफ़ी अलग हो सकती है, एज डिफरेंस काफ़ी अलग हो सकता है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो एक होता है ना कि एज डिफरेंस भी हो सकता है, और कल्चर्स काफ़ी अलग हो सकते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच का, ठीक है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं, बट ठीक है, ये पर्सन जो है ना अभी भी होपफुल हैं ये पर्सन कि आपके साथ इनका कुछ हो सकता है बेहतर, कुछ बेहतर हो सकता है, चाहे जैसे हो बट कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर होगा, ठीक है। ये पर्सन की अंदर से फीलिंग्स हैं, इस पर्सन के इमोशंस ऐसे हैं, ये पर्सन थिंक करते हैं कि हाँ आपके साथ इनका फ्यूचर कितना बेहतर हो सकता है। टेक द लीड का कार्ड है, फ्यूचर के लिए ये कार्ड है, ठीक है। ट्रस्ट, वाओ द लवर्स एंड है इम्बैलेंस नंबर 21, वेरी नाइस। तो इस पर्सन के साथ फ्यूचर आप जानना चाहते हो, तो फ्यूचर देख लो कि यहाँ पे ये है कि मैनिफेस्ट आया था बॉटम ऑफ द डेक, है ना। आपको इस रिश्ते के लिए सबसे पहले तो मैनिफेस्टेशन करनी पड़ेगी, मैनिफेस्ट कीजिए, दुआएं मांगिए, प्रार्थना कीजिए, ठीक है, मैनिफेस्टेशन कीजिए आप। क्योंकि जिस तरीके से आप का दिल टूटा है, आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको दर्द फील हो रहा है, उस तरीके का दर्द, उस तरीके की तकलीफ़ आपके पर्सन को मतलब आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ओके, यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, देखिए फ्यूचर ऐसा होगा कि आपको इंतज़ार करना होगा इस पर्सन का, ठीक है, इंतज़ार करना होगा, सब कुछ सरेंडर करना होगा यूनिवर्स को, एंजल्स को, है ना, तब जाके आप दोनों के बीच में कुछ बातें, कुछ ऐसी एनर्जी आ पाएंगी, मैच कर पाएंगी, जिससे आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक। वो मुझे दिख रहा है आपके पर्सन और आपके बीच, मुझे एक बहुत ही अच्छी सी एनर्जी दिखाई दे रही है जो कि है लवर्स की, यानी कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और फ्यूचर में भी आपका प्यार आपके करीब आएगा, जिनसे भी आपकी जिनसे भी आप डील कर रहे हो उनसे आप बहुत करीब आओगे, उनके साथ आप आओगे जिनसे प्यार करते हो, ठीक। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, इंतज़ार के बाद ही कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा आप दोनों को,
कुछ टाइम तक तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इंतज़ार करोगे तभी जाके कुछ हो पाएगा। ठीक है, टेक द लीड का कार्ड जो कि क्लियरली बता रहा है कि इस रिलेशनशिप में है ना आपको 3 साल इंतज़ार करना पड़ सकता है, 3 साल। ठीक है, 3 नंबर की एनर्जी आई है जो कि बता रही है कि 3 साल लगभग आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर आप 3 साल इंतज़ार कर सकते हो तो बेशक कीजिए, नहीं कर सकते हो तो लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि 3 साल तक का टाइम तो लगेगा। ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ों को फेस कर रहे हैं, अभी इनके लिए टफ टाइम है। तो अभी आपको भी समझना होगा, ठीक है, इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस, इनकी सिचुएशन को, ठीक, और उसके अनुसार से 3 साल लग रहा है, ये टाइम और भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है आप दोनों का रियूनियन होगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे और बहुत करीब आएंगे एक दूसरे के, और दोनों का साथ मिलेगा, आखिरकार आप दोनों का साथ मिलेगा, और ईश्वर करे कि जल्द ही मिले। तो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। तो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग, आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और आप लोग मेरे दूसरे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, ठीक, वहाँ पे भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, तो आप लोग वहाँ पे भी विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ से मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, बाय बाय।